नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, जानेंगे इस पूरे हफ्ते किस तरह से लोहा बाजार में इंगट और स्क्रैप में कारोबार हुआ है। साथ ही बात करेंगे कास्ट आयरन, HRC, CRC कोयल की कीमतों के बारे में जानेंगे। TMT सरिये में कुछ मंडियों में आज के रेट के बारे में देखेंगे, किस तरह से TMT सरिये में कारोबार देखा गया है, पूरे हफ्ते किस तरह से कारोबार रहा है लोहे में और आने वाले समय में किस तरह का आप कामकाज लोहे बाजार में देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लोहा बाजार में इस पूरे हफ्ते गिरावट भी देखी गई और बाजारों में हल्की फुल्की गिरावट के बाद स्थिरता आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बाजारों में नहीं देखा गया। हालांकि शनिवार वाले दिन, वीकेंड वाले दिन बाजारों में सुबह बाजार खुलने के साथ ही अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार देखा गया, जो लेवल 47,000 के नीचे तक जा चुका था इंगट में, उसमें बाजारों में जबरदस्त तरह की तेजी वीकेंड वाले दिन आई और इंगट का लेवल 48,400 रुपए रहा, जिसमें 300 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई और स्क्रैप में 38,200 रुपए पर बाजारों में कारोबार हुआ। इसको देखते हुए MS इंगट ओल्ड स्क्रैप कन्वर्जन रेट 10,200 रुपए बाजारों में रहा। अब क्योंकि इंगट में तेजी आई है, इसी वजह से कास्ट आयरन, HRC, CRC कॉइल, इन सब में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा गया। कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो कास्ट आयरन का रेट मंडी गोविंदगढ़ में टोका का 60,600 रुपए रहा, इम्पोर्टेड की कीमतें 41,600 रुपए देखी गई। HRC, CRC कॉइल के बारे में अगर बात करी जाए, लुधियाना में HRC सीट रेट 54,000 रुपए, CRC का रेट 60,300 रुपए देखा गया। गाजियाबाद में HRC सीट रेट 54,000 रुपए, CRC का रेट 62,000 रुपए बाजारों में देखा गया है। कोलकाता में HRC का रेट 53,300 रुपए, CRC कीमतें 62,000 रुपए बाजारों में देखी गई। इसके अलावा रायपुर SBWire के बारे में बात करी जाए, 50,900 रुपए पर कारोबार हुआ। GIWire का रेट 54,900 रुपए देखा गया। MS पाइप का रेट, गोविंदगढ़ पाइप का 50,700 रुपए और रायपुर पाइप का 48,700 रुपए का रेट देखा गया है। इसके अलावा TMT में भी अच्छी खासी तेजी वीकेंड वाले दिन आई है। कुछ मंडियों के बारे में बात करते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ का रेट 52,700 रुपए, दुर्गापुर कीमतें 48,300 रुपए रही, इंदौर का रेट 52,900 रुपए देखा गया है। रायपुर में TMT सरिये का रेट 48,600 रुपए रहा है, जयपुर का रेट 52,500 रुपए देखा गया है। मुजफ्फरनगर में TMT सरिये कीमतें 50,000 रुपए रही है, भावनगर का रेट आप 52,700 रुपए देखकर चल सकते हैं। गाजियाबाद में TMT सरिये का रेट 52,200 रुपए देखा गया, जालना की कीमतें 53,000 रुपए रही और पटना की मंडियों में 49,500 रुपए पर TMT सरिये में कारोबार बाजारों में देखा गया है। अब इसके अलावा बात करते हैं इंगट और स्क्रैप के बारे में, तो वीकेंड वाले दिन जो तेजी देखी गई है उसको देखते हुए इंगट में 47,700 का एक अच्छा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लेवल ऊपरी स्तर पर 49,000 रुपए इंगट में देखा गया है। स्क्रैप में 37,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, 39,000 का रेजिस्टेंस लेवल MS स्क्रैप में देखा जा रहा है। ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड काफी अच्छा पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है, और खबरें ये भी हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर बाजार यहाँ सस्टेन करता है, टिकता है 48,400 से लेकर 500 के लेवल के बीच, तो आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में आपको 49,000 से आगे भी इंगट का बाजार देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इंगट के बाद कास्ट आयरन, HRC, CRC, TMT सरिया, बिलेट, इन सभी के भाव बाजारों में बढ़ सकते हैं। तो बाजारों में हमारी आपको सलाह यही रहेगी कि अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप गिरावट पर खरीदारी करके जरूर चलिए, ऊपरी स्तर पर आप सतर्क रह सकते हैं तो एक अच्छे प्रॉफिट के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।